उम्मीद करती हाँ कि तुम थोड़ा सारियां साडा एक ट्रैक बहुत पसंद आया होगा। सो साडा पिछे जो डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी का ट्रैक आया हथियार, सो तुम सारी सारे जाने यूट्यूब पर सर्च करके जरूर देखियो तो उस गाने भी बहुत बहुत प्यार देव। सो थैंक्स कौर सिस्टर्स और उन्हें जी गल की है धियां की की है कुड़िया की की है कुड़िया चिड़िया भी कहा जाता है तो मैं ऐ लगे कि उन्हें अपनी ही गल की है धियां कुड़िया चिड़िया जिन्हों का संबंध उडारी दे नाल है, मतलब माँ प्यो का घर छड़ के उन्होंने दूसरे घर जाना ही होंगे। सो बहुत ही अच्छी हाजरी इन बच्चियों की, मैं चाहवागा इन्हों एक बार ताड़ी होर बुझा दौ जरा जोरदार बालक अगर अरदास करियो दुआ करियो कि इन्हों सुमत बख्शे इस तरह रहमत भरिया ये रंग मालिक का इन्हों सिर पर रहे ये आवाजा इस तरह गूंजदियाँ रहन। और अगली जड़ी रस्म है शमा रोशन करन दी रजत चुंबर जी अपनी एक रचना दे नाल एक हाजरी दे नाल श्रद्धांजलि दे रहे ने अपनी हाजरी देंगे। सो गुजारिश है और बहुत ही धन्यवादी आदरणीय सरदार कुलजीत सिंह जी सराल वाइस चेयरमैन ब्लाक समिति और श्री अजय कुमार प्रमोटर साहब कैनेडा अमेरिका उन्होंने भी जी आया कहने वेलकम उन्होंने आमद से। और बहुत ही सुरीली आवाज आर जोगी साहब वो भी विराजमान ने, सो वेलकम उन्होंने भी अज के इस समारोह के अपनी हाजिरी देने लई रजत चुंबर उन्होंने गुजारिश करांगा अपनी एक हाजिरी के नाल आप सब दे रूबरू हो आप सब दे नाल मुखातब हो चुप्पर साहब जी। हेलो सो मैं बहुत ही शुक्रगुजार होवांगा साडे उस्ताद जनाब जी बूटा मुहम्मद जी का जिदा ता हुक्म उस्ताद जी। बहुत ही शुक्रगुजार होवांगा मैं मेरे ताया जी इंग्लैंड तो सोमनाथ थिंद जी एक बार उन्होंने नाते भी ताड़ी मार दो और बहुत ही शुक्रगुजार साडे मजीशियन परिवार का और साडे उस्ताद जनाब जी बूटा मुहम्मद साहब और सरदार अली जी। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दास की शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर सती शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी yeah.
बहुत शुक्रिया। पंजवा में पालन आईना पालन पंजवा में पालन पंजवा में पालन आईना पालन झूले लालन सिंदरी सेवक दास की शाबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर अली दम लाला नंबर अली दम दम दे अंदर हो लाज मेरी हो लाज मेरी तो बहुत सारा मान मेरे बड़े बड़ी सुन के लगे बहुत सारा मान आ रहा फरार कर दिया साडे सरपंच साहब तू पीरा बछड़े दे दे मावा नू तू पीरा बछड़े दे दे भैणा नू देगा वीर मरा झूले लालन इंदड़ी दा सेवन दास की शाबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर अली दम पहला नंबर अली दम दम दे अंदर हो लाज मेरी हो लाज मेरी लेवल बहुत ज्यादा है यार लेवल चार चिराग तेरे बलन हमेशा ओ चार चिराग तेरे बलन हमेशा चार चिराग तेरे बलन हमेशा ओ चार चिराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में पालन आईया बना झूले लालन हो पंजवा में पालन बाम पालन आईया बाला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दास की शाबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर हो लाज मेरी हो कमाया है सीने नाल लाया है मैं दुगियारी नू बाबा अपनी बनाया है दाता ने फड़ी मेरी पानी सयो मैं सुहागण होगी भोला ने फड़ी मेरी पानी सयो मैं सुहागण होगी दाता ने फड़ी मेरी पानी सयो मैं सुहागण होगी कर्म कमाया अपनी बनाया है मैं प्यारी नू बाबा अपनी बनाया है मौला ने फड़ी मेरी पानी सयो मैं सुहागण होगी दादा ने फड़ी मेरी पानी सयो मैं सुहागण होगी मौला ने फड़ी मेरी पानी सयो मैं सुहागण होगी बहुत सारा मान साधे साथी मामा नू तू पीरा बछड़े मावा नू तू पीरा बछड़े
चंगा लगे ताली मार दो एक बार फिर बहुत शुक्रगुजार होवांगा उस्ताद जनाब बूटा मुहम्मद जी का और साडे उस्ताद जी रोशन साहब जी का थैंक यू सारा लोगों जी मजीशन परिवार का बहुत बहुत थैंक यू लो जी बहुत ही अच्छी हाजिरी चुंबर साहब थोड़ी नजर करके गए एक बार ताड़ी बजा दे जरा जोरदार शायद बजाई तुम पहला भी सी आवाज नहीं सुनी ताड़ी की बिना आवाज तो नहीं बजानी आवाज वाली फिर ही फायदा और धनबाद जी और एक बेनती है मेरी जरूरी अपने लाइट सिस्टम लाइट वाले वीर के पोल तो एक लाइट होर सीधी स्टेज वाले पासे जरूर लगा दौ क्योंकि साडे कैमरामैन उन्होंने प्रॉब्लम आ रही है इतने तक ठीक है कहिंदे जो तो बंदा इतों अगे आता ना इतने गाँव फिर उदों थोड़ा जिहा प्रॉब्लम हो जाती है सो ये प्रॉब्लम भी हल कर दी जाए तो महफल जोर शोर दे है और उदी रंगत नूं आपां माणीए सरदार अली जी नूं तुहाडे रूबरू करिए उस तो पहला कुछ जरूरी रस्म मेले दियाँ इस समारोह दियाँ जिहड़ियाँ अदा करनियाँ जरूरी ने मैं उहदे लई गुजारिश करांगा अपने वीर देसराज पंगा जी नूं कि वह माइक ते आउण ते अगलियां जिहड़ियां रस्मां ने वह आप अदा करिए ते फिर महफल नूं अगली रंगत दईए देसराज पंगा जी सो अज दे ये श्रद्धांजलि समागम जिहड़ा कि आप संगीत गुरूहां एक महफल के रूप के आप श्रद्धा के फुल भेटा करने ने वक् वक् फनकारा ने अपने आप अपने अंदाज के नाल सुफियाना तरीके दे नाल संगीत गुरूहां संगीत दे नाल ही श्रद्धांजलि दी जा सकती है सो बच्चिया ने स्टेज की शुरुआत कर दिती है ते इस समागम की रस्मी जिहड़ी शुरुआत है हर साल मेरे छोटे वीर साडे इलाके के हरमन प्यारे आगू सरदार बाबा सरदार कुलजीत सिंह जी सराल हमेशा करते आ रहे हैं सो मैं बेनती करदा क्योंकि प्रोग्राम का जिहड़ा इस समागम का जिहड़ा चिराग है और रोशन करन दी जिहड़ी रस्म है सरदार बाबा सरदार कुलजीत सिंह जी सराल करनगे सो मैं बेनती करांगा साडे ट्रस्ट के प्रधान साहब जिनाब बूटा मुहम्मद जी नूं हाँ जी सो जदों तक मैं सनी नूं बेनती करांगा दो अंतरे तुहाडे नाल सांझी करन मेरा शुभवीर सनी हाँ जी मैं गुजारिश करदा साडे रिस्पेक्टेड मुख्तियार सिंह जी राय साहब ओह पंडाल दे विच हाजिर हो जाण मुख्तियार सिंह राय जी उन्हां नूं गुजारिश है पंडाल विच उन्हां दी हाजिरी लई लो एक छोटी जी हाजरी बहुत ही सुरीली आवाज सर अभी सनी आप सभी ने नाजरीन महफिल ख्वातीन हज़रात मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ इस मेले दे कोई ऐसी बात नहीं तेरी ओट सहारा तेरा तन मन को कहे अवतार तेरे ही दाता मैं दिन राती गुण गावां मैं नी मां मेरा मुर्शद ऊंचा Oh
इधरों कोई कसर नहीं सी पर तुहाडे वल्लों ताड़ी नहीं वजी है जी मेहरबानी। और कई बारी जसवीर भाजी आपां लेट हो जाईदा किसे काम लई बंदे इकट्ठे करदे आं वो अपने ही बंदे नहीं इकट्ठे होंदे तां कि अगला काम आपां कर लईए सही ढंग नाल क्योंकि झमेला ज़्यादा हुंदा है बिजी हर बंदे की ड्यूटी इन्नी सख्त है कि उन्हें कई काम देखदियां देखदियां स्रोते ये सूफियाना महफल का रंग मानने लिए इतने हाजिर हुए ने जिन्हें भी सारे नौजवान वीर बुजुर्ग और रिश्तेदार सज्जन मित्र सब नू बेनती है कि
वो इधर पंडाल में आ जाए, पंडाल की रौनक बन, क्योंकि जिथे यह सूफी शख्सियत का समागम है अज ते अज इस समागम की रंगत भी सूफियाना है। तो उस रंगत दे विच होर वाधा करन लई साडे सूफी दरबारों तो वो दरबार जिन्हों गरीबा मस्कीना का मक्का किया गया है, दरबार शरीफ मडारी तो साईं उमरे शाह जी कादरी जी और उन्होंने नाल नाल सूफियाना प्रबंधक कमेटी के नाल नाल जिन्हें भी अटैच साढ़े फकीर ने वो तकरीबन सारे ही अज इस समागम के हाजिरी लगवाने लई हाजिर होने ने। तो जिते उन्हां दी हाजिरी होनी है आप सब की हाजिरी भी जरूरी है। और अज की हाजिरी जी है ना सूफियाना रंग बेई साहब बैठे जाता है, अज का तरीका ही यहो जहा वधिया ए जड़िया कुर्सियां लगाईया ना ये मैं समझदा उन्हां वास्ते है जिन्हां दे गिट्टे गोडे दुखदे होण, कमर च दर्द रहिंदा होवे, बंदे नूं कोई प्रॉब्लम होवे, चौंगड़ी मार के नहीं बह सकदा वह कुर्सी ते बैठ सकदा। पर जिहड़ा आनंद चौंकड़ी मार के बैठन का आंदा ना वह कुर्सी ते भी नहीं आंदा सतसंग दे विच, क्योंकि अज दी गाली किसी होर पासे चले गई है। वो इधर मतलब वो मेले वाली गल नहीं रही, ये होर पासे जुड़ गई है, गल उस पासे जुड़ गई है जिस गल नूं इन्हां शख्सियतां ने लोगों के फैलाया। जे मैं गुरबाणी की गल करा तो सतसंग दे लई गुरबाणी च लिखिया बिन भागां सतसंग ना लभे, बिन संगत मैल भरीजै जियो। तो मैं उत्थे ये भी दस दिया कि जनाब सरदार मुहम्मद जी जिन्हां तों सिखे होए उन्होंने शगिर्द दरबार साहब के हजूरी रागी रहे ने, जिन्होंने गुरबाणी का कीर्तन किया। मतलब इन शख्सियतों की गल कोई एक तरफा नहीं, यह सब पास घूमती है। सो अगली हाजरी आप सब के रूबरू जिमें अज का माहौल है कि सारिया ने बैठ के ही सूफियाना रंगत तेरे रूबरू करनी है। आओ आप बहुत ही सुरीली आवाज मेरे छोटे वीर की आप उस मानते हैं। हेलो हेलो हाजी ने महफिल
उस्ताद सरदार मोहम्मद, उस्ताद गुलजार मोहम्मद, उन्होंने मेले दिया बहुत सारिया मुबारकां। और मैं शुक्रगुजार हाँ साडे अंकल जी बूटा मोहम्मद जी कि जिन्होंने हाजिरी लाने का मौका दिता। यह वो स्टेज आ जी जिथे बहुत सारे सिंगर गा गा के बड़े सिंगर बन गए और बड़ा मुकाम ले गए। म्यूजिक का महाकुंभ होना इत्थे ते मेरे चाचा जी जनाब उस्ताद शौकत अली मतोई साहब उन्होंने तो इजाजत लैके गुलजार अली तो सरदार अली तो महफल का आगाज कर रहे हैं जी।
सर को झुका दिया। नबी ने जगा दिया उस पे हुई है रहमतें, उस पे हुई है रहमतें मौला की बारिश जिसने नबी के दर पर सर को झुका दिया। उनका मंगता हूँ, उनका मंगता मंगता हूँ जो मंगता नहीं हो।
जीती शोकर वाले चार माही
चाल माही एन अनोखी जिदा पहला पाया मोरा चाल माही एन अनोखी जिदा पहला पाया उस्ताद बूटा मोहम्मद जी वो भी तशरीफ फरमाने जी मैं बड़ा शुक्र गुजार हाँ जी थोड़ा लागे लागे जड़ी अग सीने विच सुका दे नालू बुझाए होवे केड़ा गुस्से हुण नाल असादे के नूरो रो हाल सुनाए होवे केड़ा गुस्से हुण नाल असादे होवे केड़ा गुस्से हुण नाल असादे आजम यार यारानू मिलदे असी किसनू सीने लाए सजना वे तेरे वाजो दिल नहीं ओ लगदा सजना वे तेरे वाजो
हिजर तेरा हिजर तेरा Oh, yeah.
सो बहुत ही अच्छा माहौल आप मान रहे सी ते तुहाडे वल हौसला अफजाई एक बार ताड़ियां दे नाल हो जानी चाहिए वीरे। हाँ जी सो बहुत बहुत मेहरबानी और साडे विचकार साडे साईं जी साईं परमजीत दरवेश जी राहों तो वरन सोफती जी नवें शहर तो और साईं परमिंदर जी तशरीफ रखते ने। सो सारियां नूं सिद्धा सलाम साडा जी आयां नूं और गीत संगीत दे इस वहा दे विच जिहड़ियां कोई जरूरी रस्मां अदा होणियां जिहदे नाल अक्सर समागम स्टार्ट होंदा है ते आपां ओह रस्मां करवा लईए। इस दे लई मैं गुजारिश करांगा अपने वीर देसराज बंगा जी नूं क्षमा रोशन और रीवन कटन की जी रस्म हैगी है आप उसनों अदा करवाइए तो फिर महफल में इस तरह रंगत चढ़ती रहे। जनाब सरदार अली जी थोड़े रूबरू होने ने सो कलाकार अज भी बहुत ने ऐसी कोई गल नहीं पर थोड़ा संकोच रखना पे। अज मैं जिक्र करता सी बंगा भाजी कि अज कलाकार का ना एक इम्तिहान भी है जो कलाकार हों माइक हाथ च होंगे ना पंडाल चो किसी को उठ नहीं दिता अगला उठे भी ना झट बिठाल देने कहते बह जा आ चीज स्पैशल तेरे लिए सुन के जाने दो मिनट ते अज सुनाउण वाले इधर ने ते सुन वालियां विच भी कलाकार ज्यादा होणगे जिन्हां नूं चौंकड़ियां मार के पंडाल की हाजरी भरनी पैनी है क्योंकि बंदा कलाकार गायक सारा कुछ बाद च बनदा पहला एक सरूपता ही होंदा है सुन सुन के फिर कई कुछ अगे वध जांदा है। सो ते आओ बंगा भाजी नूं बेनती करांगा अगे ओह जरूरी रस्मां जिहड़ियां अदा करवाओ ते फिर बुलाने जनाब सरदार अली जी सो मैं बेनती करूंगा और साडे बहुत ही सत्कारयोग बाबा जी सोढ़ी बाबा जी साडे तशरीफ लिया ने। सो मैं उन्होंने भी जिया कहना अपने पूरे ट्रस्ट वालों सरदार मुहम्मद यादगारी ट्रस्ट जिन्हों के उद्यम सदका ये हर साल की तरह यह मेला श्रद्धांजलि समारोह के तौर पर मनाया जा रहा है कि उहदे विच खूबसूरत हाजरी सरिस्तकार जो बाबा जी सोढ़ी शाह जी हाजरी देने पहुंचे ने। सो जिया कहने उन्होंने वेलकम से सलाम है साडा बहुत बहुत मेहरबानी जी। सो मैं ट्रस्ट के प्रधान भाजी बूटा मामा जी बेनती करा कि रस्म बड़ी देरी हो चुकी है मैं सारे महापुरशों के चरणों में बेनती करदा कि वह भी उन्होंने फनकारा के जिन्हों की बरसी मनाजर जारी रह रही है सत्कारयोग उस्ताद सरदार मुहम्मद जी गुरु गुलजार मुहम्मद जी उन्होंने बरसी के मौके पर आप सारे अज जी श्रद्धांजलि समागम कर रहे हैं। सो मैं बेनती करा ट्रस्ट के प्रधान जनाब बूटा मुहम्मद जी को सारे महापुरशों लैके उन्होंने तस्वीर तक लैके आन ताकि इस श्रद्धांजलि समागम का जो चिराग है और रोशन किया जा सके। मैं बेनती करांगा अज का यह चिराग रोशन करने वास्ते साडे अज दे इस सभा दे मुख मेहमान सत्कारयोग इस श्रद्धांजलि समागम का जिहड़ा वह चिराग रोशन करनगे सत्कारयोग मेरे वीर कुलजीत सिंह जी सराल
ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਦਰਬਾਰ ਖਾਨਖਾਨਾ ਦੇ ਸਾਈਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰਾਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਐਸ ਪੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰਪੁਰ, ਸਾਡੇ ਟਰੱਸਟੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਮਾਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਸਾਬੀ ਭਾਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਬੂਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਝਿੰਗੜ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਧਪੁਰੀ, ਭਾਜੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲਾ, ਆਰ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਂਕਰ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੰਸੂ ਹੰਸੂ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਜੀਤੀ ਸੁੰਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਵਿਹੜਾ। ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਨਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਅਰਜੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਜੋਈ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਲੀ ਬੇਲੀ ਸਭ ਜਗ ਆਖੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਬੇਲੀ। ਬੇਲੀ ਬੇਲੀ ਸਭ ਜਗ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਬੇਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ, ਜਦ ਜਾਸੀ ਜਿੰਦ ਅਕੇਲੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਸੱਜਣਾ ਵਾਜੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੁੰਨੀ ਪਈ ਹਵੇਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਦਣ ਦੀ ਸੁੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਰਸਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸੁੰਨ ਮਸਾਨ ਵਿਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਚਿਹਰਾ ਹੰਸੂ ਹੰਸੂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਲੋਲਾਂ ਵੀ ਹੰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਸ ਐਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਜੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜੀਤੀ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਬੀ ਰਿਟੈਂਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਬੀ ਰਿਟੈਂਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜੀਤੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਬੀ ਦੀ ਅਤੇ ਜੀਤੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਮੇਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕਮੇਡੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਵਿਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੀਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੀਤੀ ਦੇ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਆਪਾਂ ਹੱਥੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਤੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਰਾਜੀ ਬੈਠਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ।
मतलब ऐ लगता जिम्मे सारी ये कल की गल होंगी है अजे कल ही हुई है तो समा बीतता गया पर इत किसी का वस नहीं चलता आप कोई इसका उपा नहीं कर सकते जो मैं जिक्र कर लग्या सी केल करेंदे हंस नू अचिंते बाज पे गुरबाणी दियां लाइनां ने यो कलोलां दियां गल्लां चेते आउंदियां ने कि यह अपनियां कलोलां करदा सी जिहदे बारे उन्हें लिखिया है केल करेंदे हंस नू अचिंते बाज पे तिस रब दे केलां विसरियां जदों उस रब दे बाज पै गए ते ओ कलोलां सारियां विसर गईयां तरियां तराईयां रह गईयां उहदा कोई हल नहीं हो सकिया बाज पाए तिस रब दे केलां विसरियां जो मन चित ना चेते सन सो गल ही रब गईयां ये किसी के चित चेते नहीं सी कि सवेरे सुते उठते हैं कि खबर फेसबुक के सामने आ जानी है तो यह लोग ने मतलब अज जीती की तस्वीर केड़ी लाइन दे विच लगी है ये बड़ी खासियत गल है लाइन किन्हां दे हिस्से आउंदी है आपां घर विच फंक्शन करदे आ ना जदों कोई मातम हो जाए कौन गाउंदा है कौन ढोल वजाउंदा है कौन नचदा है कितें हुंदे घर च इन्हां लोकां दा मातम भी गीत संगीत दे नाल ही मनाया जांदा है ढोल वजदे ने लोकी उत्थे भी जशन मनाउंदे ने क्योंकि शायद इन्हां करके ही यह पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज होईयां कि संत मरे क्या रोई है जो अपनी ग्रह जाई ते ए संतनुमा शख्सियत संगीत सम्राज जड़िया हुई ने उन्होंने श्रद्धांजलि देन रही अज आप सारे एकत्र होए हाँ तो मैं चाहवागा कि जे ये मेला अज मनजीत जीती समर्पित होया तो एक बारी तुसी ए भी तो श्रद्धांजलि है इन्हां तिना शख्सियतों के नाते जोरदार ताड़ी ला दिओ सारा सो मेहरबानी ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਦਰਣੀ ਸਾਈਂ ਸਾਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਟਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਅਤੇ ਆਓ ਇਸ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਗਾਇਕ जनाब सरदार अली जी ते मैं उस तो पहला बेनती कर दिया आने वाले सारे सज्जनों के सामने मेन गेट से सैनिटाइजर किया जा रहा है मास्क भी वंडे जा रहे हैं ते जिहदे कोल मास्क नहीं उतो मास्क लैके सैनिटाइजर करके हथां उत्ते फिर आराम दे नाल खुले डुले होके बैठ के जिन्ना चिर भी है प्रोग्राम हाजिरी भरनी है इन्हां बुजुर्गों के कर्मां विच चलो थोड़ी नज़र करिए सुरीली आवाज़ जिहदा हुण तक आपां नूं इंतजार सी ते मैं एक बारी आप सब नूं गुजारिश करांगा कि जोरदार ताड़ियां दे नाल तुसीं उहनां दी आमद लई जरा उत्साह दिखा लो तो मैं उहनां नूं सदा दिया जनाब सरदार अली जी दे नां ते एक बारी जोरदार ताड़ियां हो जाण तुहाडे वल्लों हेलो नहीं ताड़ियां ताड़ियां नाल गल नहीं बनती पर आवाज ही नहीं सुनी तुहाडियां ताड़ियां नहीं हेलो रब दे नाल ते ताड़ी लाउणी होवे ते जरा मन हाजिर करके ताड़ी लाई दी है क्योंकि उहदे नाल हेरा फेरी चलदी नहीं मैं अक्सर किंटे गोडे मल मल धोमे तेरे अंदरों ना गई पलीती हेलो कन्ना नूं हथ लाए पहला फेर नमाज तू लीती तेरा दिल खिडावे मुंडे कुड़ियां तू सिजदे करे मसीती दुनियादारा रब दे नाल भी 420 तू की रब दे नाल ते ताड़ी बजाउण लई कह रहे हैं वह बिना ही आवाज तो बजी जा रही है तो फिर 420 हुई ना सीधी एक बार जोरदार ताड़ी हो जाए तुहाडियां खूबसूरत ताड़ियां ते संगीत दी मदर धुनां दे नाल अपने खूबसूरत कलामां दे नाल अपनी सुरीली आवाज के जरिए अपनी हाजिरी लैके आप सब दे नाल मुखातब जनाब सरदार अली जी अली जी हेलो
ਮੌਜੂਦ ਹਾਜ਼ਰੀਨ زمانے کا کارساز ہے تو میرے زمانے کا کارساز ہے تو نیاز مند ہوں میں اور بے نیاز ہے تو خبر ہر ایک کی تو اے بے نیاز لیتا ہے بندہ کر دیا بندہ کر دیا
सितारा मेरे नसीब का ताबिंदा कर दिया, इतनी बड़ी हजूर की बंदा नवाजिया, मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया, मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया। दरबार दरबार उदेसिया शरीफ माता जी साड़ी बीबी जी बीबी अमरदीप जी दरबार से तशरीफ लेके आए हैं, सैयदां दा दरबार है, मेरा सलाम। इतनी बड़ी हजूर की बंदा नवाजिया, मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया, मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया। ये कैसा जादू, ये कैसा जादू, सादा
तोहफे ये नवाजश है ये इनायत है कौन सी गमें दो जहां से छुड़ा दिया ये इनायत ये नवाजश है गमें दो जहां से छुड़ा दिया फकीर एको गल चाहता फकीर उदो फकीर बनता है कि इत्थे दा गम भी मिट जावे ते उत्थे दा गम भी मिट जावे इत्थे दा डर भी निकल जावे ते उत्थे दा डर भी निकल जावे ते कमली वाले दा आशिक कहिंदा कि तेरी इनायत तेरी नवाजिश गमे दो जहां से छुड़ा दिया या मोहम्मद तेरा शुक्रिया मुझे मरना जीना सिखा दिया बढ़िया अच्छिया फकीर वहां बैठी है ते मैं भी आज सत महीने वाला कट्ठा ही कट के जाना और खुशकिस्मत यह कि असिया रूह बैठिया ने पहली महफल के हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाह ताला ना अल्लाह दे नबी दे आशिक होए ने आशिक रसूल दुनिया ना ऐसा होया ते शायद ना ऐसा होगा सारी उम्र हजूर नू इना नजर नहीं देखा कदे मिले नहीं कदे कदे देखा भी नहीं पर आशकी की आशकी ऐसी की थी कि जब खिलाफत का वक्त आया कि खलीफा चुनना है तो उस वक्त अल्लाह के पाक नबी ने चार यारा नू हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला ना हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ना हजरत उमर फारूक رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ چاراں نو حضرت اویس کولے بھیجیا ایسی عاشقی سی کہ حضور خود عاشق ہو گئے سی اویس کرنی تے ایسی عاشقی سی ہمیشہ کہندے سی اپنے صحابیوں تے بیٹھ کے ہمیشہ کہندے سی کہ ہمیں یمن کی طرف سے رحمت کی خوشبو آتی ہے ہاں تے جنگ بدر دے وچ कमली वाली सरकार दा एक दंद शहीद हो गया एक दंद टूट गया जंग खत्म हुई ते किसे ने हजरत ओवैस नूं दस्या कि ओवैस तैनूं एक गल दा पता लग्या हजरत ओवैस कहण लगे केड़ी गल दा कि तेरे महबूब दा एक दंद शहीद हो गया कमली वाले सरकार का एक दंद शहीद हो गया जंगे पदर च हजरत ओवैस मलंग ना दुनिया का फिक्र ना आखरत का फिक्र कह लग्या अपने आप कहता ओवैस यार सरकार का एक दंद शहीद हो गया हो तेरे बत्ती दंद पूरे होने ये आशकी दे विच गल फबदी नहीं एक पत्थर चुकया चक के एक दंद ते मार लिया ते दंद भन लिया Everybody!
ਹੁਣ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਯਾਰ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਪੜ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ ਮੁਝ ਕੋ ਐਸੀ ਸਨਮ ਕੈਸੀ ਮੈਂ ਸਰ ਉਠਾ ਨਾ ਸਕਾ ਮੈਂ ਸਰ ਉਠਾ ਨਾ ਸਕਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਲੀਪੁਰ ਅਲੀਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਅਲੀ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਸਾ ਹੈਂ ਐਸੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਫਜ਼ਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ੋਹਰ ਅਸਰ ਮਗਰਬ ਇਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਟਪਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਲਵੀ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਮੌਲਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਬਾਬੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਆ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਮੋਟਾ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਹੁਣ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜ ਗਏ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਫਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਤਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਫਿਰ ਰੁਕੂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਜਦੇ ਚੋਂ ਉੱਠਦਾ ਫਿਰ ਕਿਆਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰੁਕੂ ਕੀਤਾ ਸਜਦੇ 'ਚ ਗਏ ਸਜਦੇ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੇ ਅਲਾ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੇ ਅਲਾ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੇ ਅਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ 10-15 ਵਾਰ 20 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੂਹਣੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੁਲਾਵੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਫਜ਼ਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ
मैं जो उठा तो मैं देखा पिछे तुम है ही नहीं सी। तो कह लगे बाबा जी कमाल करी जाने हो, तीन बार सुभान रबियाला, असी तो किसी ने दस बार, किसी ने पंद्रह बार, किसी ने भी बार, किसी ने सौ बार इन्ना समा लंघ गया, तुम तो उठे ही नहीं। बाबा जी थोनू की हो गया, असी तुसी उठे क्यों नहीं? बाबे कह लगे भाई उन्हें उठन कहा नहीं तो असी उठे नहीं। यार ने कहा नहीं थी असी उठे नहीं। नमाज इश्क पढ़ा दी है मुझको ऐसी सनम, मैं सर उठा न सका, मैं सर उठा आत्मा बुढ़े वाली है। अमन रोजी बाबा जी छोटी शाह जी
खुशनसीबी की गल है कि अज कलाकार सुन रहे ने कमाल हो गई बहुत खुशकिस्मती है मेरे लिए तो खास करके हर फनकार बैठा है लाल अठौड़ी वाले भाजी बहुत बड़े शायर ने माशाअल्लाह कुत्ता राख मां कोई नहीं मार सकता सारे मुल्क दा एहो निजाम होवे उस कुत्ते नूं किसे ने मार ना की जिदे पट्टे ते मुर्शद दा नाम होवे कहते बंदा बंदा होवे ते बहुत वड्डी गल है अल्लाह ने बंदा बनाया ते बंदा होवे ते वड्डी गल है पर मुर्शद लोग ये कहते ने फकीर लोग ये कहते ने अपने मुर्शद सामने कि जे मैं कुत्ता भी होवां ना कुत्ता घट्टो घट पटे वाला ते होवां आवारा ना होवां आवारा कुत्ता ना होवां जदों किसे दे सामने जावां ना उह सौ वारी सोचे इहदे गल च पटा पाया होया किसे दा हैगा है देखियो किते डंडा ना मार दिओ ओए रखिया होया किसे दा मुर्शद अपने दर दा कुत्ता बना लवे पर पटे वाला बना लवे हाय हाय कुत्ता तेरे दरबार दा समझ के साया कोई भी मेनू मारदा नहीं दर जाव जगे भोकाव तेरा समझ के कोई दुर कुछ शौक सी यार फकीरी दा कुछ शौक सी यार फकीरी दा कुछ इश्क ने दर दर रोड़ा कुछ शौक सी यार फकीरी दा कुछ इश्क ने दर दर रोड़ दिता कुछ साजन कसर ना छड़ी सी कुछ साजन कसर ना छड़ी सी कुछ जहर रकीबां कोल दिता कुछ साजन कसर ना छड़ी सी कुछ जहर रकीबां कोल दिता हर बंदा मशहूरी चाहुंदा है हर कलाकार मशहूरी चाहुंदा है स्टार बनना चाहुंदा हर बंदा कोई कहिंदा बिजनेस दे विच मेरा नाम होवे कोई कहिंदा साडी कलाकारी च साडा नाम होवे कोई कहिंदा उस ग्रंथी ने अरदास कर दित्ती कि महाराज सच्चे पातशाह इहदा काम सिरे चढ़ जावे ते उही गल हो गई पंज सत दिनां दे विच ओह बंदे दा काम बन गया काम बन गया ते उते लैके अपने परिवार नूं अरदास दा देग दा समान लैके गुरद्वारा साहब पहुंच गया गुरद्वारा साहब पहुंचा ते उह ग्रंथी कोल गया कहण लग्या बाबा जी अपना काम फतेह हो गया जी अरदास भी करा दिओ ते शुकराने दी देग भी कर दिओ शुकराना देण आया बाबे कहण लगे भाई तू भोलेनाथ दा भगत है ये जिन्ना शुकराना लैके आया शिव भोलेनाथ दे मंदर चढ़ा के आ ग्रंथी कहण लग्या मंदर चढ़ा के आ बाबा जी अरदास तां इत्थे कराई है तुसीं खुद अरदास कीती है ते कम पहला मेरा बनया नहीं सी हुण मेरा कम बन गया हुण जद बन गया ते फिर मैं देख भी ते इत्थे करवाउणी है ना उह कहिंदे नहीं नहीं तूं शिव भोलेनाथ दे मंदर जा के चढ़ावा चढ़ा के आ उह कहिंदे पर बाबा जी तुसीं अरदास कादी कीती
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਭਾਲਦਾ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਭਾਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਵੇ, ਸਭ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਵਾਂ ਅਦੀ ਅਹਿਮਦੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ
ना इज्जत शोहरत मंगा मैं ताड़ी बजा दो एक बारी तुसी सारे ऐ पता लग जाए भी तुसी भी सारे हाजिर बैठे हो जागते हो सो सरदार अली जी जिन्हां दे प्रोग्राम दा तुसी आनंद माण रहे सी एक लास्ट हाजरी होर आपां उन्हां तों सुणांगे उन्हां तों बाद जनाब शौकत मतोई साहब रणजीत राणा जी खान साहब सलीम जी बारी बारी और अज एक होर खासियत है सारे कलाकारां दी कि जिहड़ा भी कलाकार श्रद्धांजलि के तौर पर हाजिरी दे रहा है इस तरह बैठ के ही हाजिरी भरनी है सो मैं तह दिलों शुक्रगुजार हाँ नवजोत जखू जी पत्रकार साहब अजीत अखबार तो अजमेर चाला जी पत्रकार जगबाणी अपरा तो साढ़े विराजमान ने सो जिया कहने उन्होंने वेलकम उन्होंने आमद दे और साढ़े बहुत ही सत्कार वर्ल्ड फेमस आवाज जनाब सतविंदर बुग्गा जी हाजिरी दे रहे हैं और साढ़े रणजीत राणा जी आत्मा सिंह आत्मा जी अमन रोजी जी और मनमीत मेवी जी सती खोखे वालिया लाल पठौली वाला जी लखा नाज आर के मेहंदी तो बाहरले पासे बार्डर तो परे खड़े ने मैं उन्होंने भी गुजारिश करांगा बेनती करांगा कि वो अगे आ जाए अजय अपने को बड़ी जगह खाली पई है आप ये सारी जगह पूर कर लीए बाद बैठने की कृपालता करो सारे नेड़े नेड़े आके ताकि आप इन्हां संगीत सम्राट शख्सियतों नू जी आया कह सकीए उन्होंने अपने श्रद्धा के फुल भेंट कर सकीए आओ लास्ट हाजरी सुनते हैं जनाब सरदार अली जी तो इस तरह प्यार बख्शो सारे लगातार इस संगीत का प्रवाह जिहड़ा चलना है आप सब की नज़र अपनी हिस्से की लास्ट हाजरी लैके जनाब सरदार अली जी अली अहमद शाह कादरी दाता अब्दुल्ला शाह कादरी साईं भजन शाह कादरी साईं बाबा बिल्ले शाह कादरी उस दरबार चों तशरीफ लैके आए ने साईं उमरे शाह जी कादरी तशरीफ फरमाने अदब सत्कार प्यार मुहब्बत सलाम एक हाजरी उस तो बाद शौकत भाजी उन्होंने हाजरी देनी खान साहब उन्होंने ऐदे ही परिवार बैठा रहूगा सारा तो मैं भी ऐदा ही बह जाना कोर्स बोल दूँ नाल ਸਾਡੇ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਗਜ਼ਟਡ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਲੂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਾਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਅੱਜ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਜੰਗਲ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਿੱਟ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁੰਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਕ ਰੰਗ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਵਾਲ ਨੇ ਗਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਆਪਦੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਫੋਕ ਲਾਈਟ ਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਪੱਤਰ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤਰ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਲੰਘ ਮਾਰੀਆ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਲੰਘ ਮਾਰੀਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟਣ ਬਾਜੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਸਦਾ ਜਗ ਭਾਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹ ਫੋਕ ਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਇੱਧਰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਤਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਣੀ ਤਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਮਾਇਆ ਜਾ ਮਾਇਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਰੌਣਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰੌਣਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਮਾਇਆ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਤੀ ਖੋਖੇ ਵਾਲੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਸਮ ਰੱਬੀ ਨਾ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂ ਕਸਮ ਰੱਬੀ ਨਾ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂ
यारियां लाइया यारियां यारा तेरे अगे सब कुछ हारियां सिर ते सजा ले जरा तवज्जो हमें सिर ते सजा ले हमें पैरों में चुपा ले हमें सिर ते सजा ले
ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆ ਹੋਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆ ਹੋਲਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆ ਹੋਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਚਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆ ਗੁਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਗਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜੇ ਰੋਬ ਦੇ ਆਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੋਲੇ ਆਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਠਹਿਰ ਜਾ ਸਜਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਸਜਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅਥਰੂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇ ਆ
चूड़िया भी पाइया औरतों वाला लिबास भी पहने भजाने वास्ते सारे फकीर आए मैं सारे का एहतराम कर तालियां जरा जोर ना बजाया करो इसका मजा नहीं आता फिर क्योंकि दुनियावी दुनियावी रिश्ते होर होंगे जो फकीर की गल होंगी फिर होर गल हो मैं फिर गल करा बुजुर्गी का आलम मेरे मुर्शदा मुर्शद बीबी जी ओदेसिया वाली सरकार उन्होंने भी एक बार जोरदार तालियां बजा दे उन्होंने तंदुरुस्ती वास्ते और बीबी जी होरां दी बदौलत इस ना चीज नूं इस ना शुकरे बंदे नूं उन्होंने रहमत हमेशा मिलती है तो मेरे सिर दे उत्ते हमेशा मेरे गुनाहां नूं बख्शदे है सो मैं बहुत बहुत शुकराना है मेरी भैणा ये मेरिया मावां मेरिया भैणा गाने वाले वाल घट ध्यान दिया करो गलों वाल ज्यादा ध्यान दिया करो गाने वाले ने इत्थे ही आ जाना सारे ने एक बार तालियां बजाओ मेरे दादा जी वास्ते हुणे हुणे साडा रिश्ते च बच्चा ते गाउण च बड़ा अच्छा सुरीला फनकार है ते खान साहब इन्हां नूं कहिंदे आ सारे साडा मनी है पर इह साडा माण है इन्हां ले भी पहले तालियां बजाओ मैं वैसे फकीरां की गल करता सी कोई गल नहीं ये भी फकीरों वर्गे होंगे कोई गल नहीं थोड़े जो गुनाहगार होंगे सो मैं गल करता सी बीबी जी होरां दी मेरा सलाम कोट कोट सलाम है और गल करा कटारियां तो साई का रुतबा दे दवां मैं बाबा जी का रुतबा दे दवां तो जिन्हां का नाम ही साधु होवे ते उह की हो सकदे आ जिहदा साधु नाम होवे ते मुरे साईं लग जावे बाबा जी लग जावे ते मेरी सरकार दा किड्डा करम है जिन्हां नूं जिन्हां दे ब्लड दे विच फकीरी है साईं जी वास्ते जोरदार तालियां मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करना जी आयां नूं कहना वेलकम कहना और स्टडी करके डॉक्टर बने मेहनत करके डॉक्टर बने लेकिन मालक ने कहा भी डॉक्टर नहीं रहण देना असीं तैनूं अपना गुलाम बनाउणा ते गुलाम बनाया
ਮੰਗੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਗੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਤਾਲੀ ਇਹ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਕਰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਅਤੇ ਸਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਨਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ। ਸਾਈ ਪੱਪਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿਓ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਫਕੀਰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲਵ ਜੂ ਸਾਈ ਜੀ, ਲਵ ਜੂ। ਸੋ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਈ ਭਜਨ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਲਾਲੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਈ ਭਜਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਦਰੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ DGP ਬਣ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ IG ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐਸਾ ਦਬਕਾ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈ ਭਜਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਣਾਈਆਂ